अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फहाद मिर्सा। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ स्टूडेंट्स कैन लर्न 3D एनिमेशन, क्रिएटिंग 3D एनिमेशन वीडियोस एज अ पार्ट टाइम स्किल्स। क्योंकि मेरे चैनल पर ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स व्यूवर्स हैं जो अभी करंटली यहाँ एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी जो है पार्ट टाइम स्किल्स को पॉलिश किया जा सके। तो इसके लिए जो मैंने दोस्त बुलाए हैं, जवाद बाजवा साहब। जवाद बाजवा साहब इज आवर टीम लीड। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, आप देख लें कि क्लैश एनिमेशंस ने कौन कौन सी वीडियोस क्रिएट की हैं। इंडिया को लगता है उसने हमें सरप्राइज कर दिया, हम डर जाएंगे। ओ, हम डर गए। ओए निकलो, कितने फंस गया। मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपने ये वीडियोस देख ली होंगी और आपको पसंद आई होंगी। छोटे छोटे क्लिप्स थे। अगर आप फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाके क्लैश एनिमेशन के चैनल्स पे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ के ये वीडियोस क्रिएट कैसे हुई। तो इसके लिए जो मैंने दोस्त बुलाए हैं, जवाद बाजवा साहब। जवाद बाजवा साहब इज करंटली द टीम लीड ऑफ क्लैश एनिमेशन। तो जवाद बाजवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपकी जर्नी टुवर्ड्स एनिमेशन 3D कैसे स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल की। सर मैंने जो है, मेरा जो बैकग्राउंड, मैंने अपनी जॉब जो स्टार्ट की, जब अपने कैरियर स्टार्ट किया था वो मैंने गेमिंग से स्टार्ट किया था। तो मेरा जो यूनिटी पे पहले मैंने काम किया था, स्टार्ट में यूनिटी पे गेम डिवेलपमेंट और गेम डिज़ाइनिंग और इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग वगैरह पर मैंने काम किया था। तो मेरा जो है एनिमेशन में इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट था मेरा इसमें एनिमेशन में। तो इसके लिए जो है मैंने सर्टिफिकेशन भी की 3D मॉडलिंग की, 3D एनिमेशन की। तो उसके बाद जो है फिर मैं अपना जो है वो कैरियर जो है वो इसमें एनिमेशन में शिफ्ट किया, उसमें शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जो है फिर वो मैंने क्लैश एनिमेशन को ज्वाइन किया। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, क्लैश एनिमेशन में आके आपने, जैसे अभी आप MM आलम की स्टोरी भी क्रिएट कर रहे हैं जो 6 सितंबर को हम रिलीज करने वाले हैं, और हमने इससे पहले राशिद मिन्हास की, अगले दिनों में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक तो नुमान अशरफ साहब जो है, जो GD पायलट थे, और उसके अलावा जो मरियम मुख्तियार है उसकी भी वीडियोस जो है वो रिलीज करने वाले हैं। तो मुझे बताइएगा कि जो है आपकी इंस्पायरेशन क्या है, मतलब क्यों आप जो है हीरोज, पाकिस्तानी हीरोज पे वीडियोज बना रहे हैं। सर हमारा जो कंटेंट है वो स्पेशली जो है वो जो है छोटे बच्चों के लिए है, कि जिसे जो है वो उससे मोटिवेट हो सके, हमारी वीडियोस देख के वो जो है उनमें जो है वो एक उसमें किस तरह की पावर है कि वो खुद को मोटिवेट कर सकें और उनका जो है वो रुझान इस तरफ जाए, बजाय इसके कि वो इधर उधर की फजूल वीडियोज जो है वो देखें। यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उर्दू हिंदी कार्टून जो है उस तरह की वीडियोज देखने की बजाय जो वो, इसलिए हमारा कंटेंट स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है कि जिसको, और इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो है ना, उनको ये वीडियोस देख उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री का आइडिया हो थी, और उससे जो है पाकिस्तानी कल्चर जो है वो प्रमोट हो सके। इसलिए जो है वो इस तरह की वीडियो जो है वो कर रहे हैं कि ताकि जो है वो उनमें पावर आए, इस तरह की उनको नॉलेज हो इन चीज़ों का। बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन। और मैं भी देखता हूँ मेरे बच्चे खुद के भी जो है वो कोई मोटू पतलू देख रहा है, कोई वो पापा पिक मामा पिक देख रहा है, विच आर द थिंग्स वी डू नॉट वांट आवर चाइल्ड टू सी। हम चाह रहे हैं कि उनको ऐसा कंटेंट मिले कि एक तो वो कल्चरली भी डेवलप हो और उन्हें पता हो कि उर्दू कैसे बोली जा सकती है, और अपनी जुबान भी प्रमोट हो, और जो है अपने हीरोज को भी प्रमोट करना मकसद है, मेन मकसद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं जो हम आजकल वीडियोज बना रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। इसके लिए बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो
3D ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, और मतलब एनिमेशन के लिए ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, एनिमेशन और 3D मॉडलिंग वगैरह के लिए ब्लेंडर ही यूज कर रहे हैं, और जो वीडियो एडिटिंग है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं प्रीमियर प्रो, अडोबी की प्रोडक्ट है प्रीमियर प्रो, वो हम उसके जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह के लिए वो यूज करते हैं। ठीक अच्छा मुझे बताइए, एक स्टूडेंट है जो जैसे मैंने बताया कि हमारे व्यूअर्स मोस्टली जनरली जो है ऑडियंस वो स्टूडेंट्स की है, तो वो क्रिएट करना चाह रहा है क्या नाम है एनिमेशन, तो ओवरऑल एक प्रोसेस थोड़ा सा उनको बता दें कि अगर किसी ने करना है तो वो कहाँ क्या क्या कहाँ कहाँ से ऑनलाइन सीखे और क्या क्या पहले सीखे और फिर कौन कौन से टूल सीखे, तो अल्टीमेटली वो एक वीडियो खुद की बेसिस पे क्रिएट कर सकता है, चाहे वो अभी के लिए 5 सेकंड की ही हो इनिशियल बेसिस पे, लेकिन वो कैसे क्या क्या, क्या, क्या एक जनरल मेथड है थोड़ा सा बता दीजिए। उसके लिए जो है वैसे तो यूट्यूब पे बेशुमार ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ से बेशुमार जो है वो नॉलेज वहाँ से बंदा गेन कर लेता है, लेकिन जो एक कुछ जो चैनल मेरे माइंड में है वहाँ से जो है वो एक सीजी बूस्ट है, ब्लेंडर ट्यूटोरियल वहाँ से मिल जाते हैं, एक ग्रैंड एबिट है और एक ब्लेंडर गुरु के नाम से है, ये कुछ चैनल मेरे माइंड में थे, यहाँ से आप इजीली जो है वो ट्यूटोरियल वगैरह देख के जो आप इन चीज़ों को पिक कर लेते हैं। और दूसरी जो आपने बात की कि ओवरऑल प्रोसेसेस क्या हैं इसके, मतलब कोई भी वीडियो अगर हम क्रिएट करते हैं उसके ओवरऑल प्रोसेसेस क्या हैं, तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमारे पास जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कौन सी वीडियो बना रहे हैं, कौन सी वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं, हमारा प्लान क्या है कि मतलब किस टाइप की हमने वीडियो बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं अपनी के उससे हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो वो हमारे सामने आ जाती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें करेक्टर्स कितने चाहिए, कौन से करेक्टर चाहिए हमें, और इन्वायरमेंट किस तरह का चाहिए, 3D मॉडल्स हमें किस तरह के चाहिए, जो हमने अपने उसमें इन्वायरमेंट में जो हमने मॉडल्स यूज़ करने हैं वो हमें कौन कौन से किस किस तरह के वो चाहिए। तो इसके लिए जो है बेसिकली हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी हैं कि मतलब करेक्टर मेल करेक्टर है, फीमेल करेक्टर है, फिर करेक्टर की जो है वो रिगिंग होती है, फिर उसमें वेट पेंट होता है करेक्टर का, फिर वो करेक्टर जो है हमारा रेडी टू एनिमेट होता है। उसके बाद जो है हम अगर इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में जो है फिर हम सेट करना होता है इन्वायरमेंट किस टाइप का हमारा इन्वायरमेंट होता है, तो फिर उसके बाद जब हम करेक्टर को इन्वायरमेंट में जब लेके जाते हैं इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर हम जाके इसकी एनिमेशन करते हैं करेक्टर की। ठीक माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर उसके बाद फिर जो है वो उसके रेंडर्स वगैरह लेके PNG सेव होती हैं, फिर उसको जो है वो इन सीक्वेंस जो है उसको जब प्रीमियर में इंपोर्ट किया जाता है फिर वहां पे जाके फिर ये वीडियो की फॉर्म में आती है। जी माशाल्लाह थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द मेथड इन सच अ सिंपल वे के जो है ना किस तरह है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने 3D बूस्ट का जिक्र किया, कोई मशहूर मशहूर कमर जितने भी चले मैक्सिमम चैनल जो ब्लेंडर में और अडोब प्रीमियर में उनकी हेल्प कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स की, वो जरा बता दीजिएगा इन अ नटशेल। बेसिकली यूट्यूब के जो हैं वो एक CG बूस्ट है, ग्रैंड एबिट है, मतलब यहाँ पे आपको जो है इसके काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स, अगर आपने उसको बिगनर से सीखना हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आपको इसके मिल जाते हैं। ब्लेंडर गुरु के नाम से भी है एक चैनल, बेशुमार वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनकी। ठीक माशाल्लाह। अच्छा एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू 3D एनिमेशन सीखना कितना मुश्किल काम है, मतलब मुश्किल फिर वही बात, इट ऑल डिपेंड्स के बंदे का इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट हो तो बंदा कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेता है, लेकिन ओवरऑल मतलब इसकी क्या जनरल हेल्प अवेलेबल हो जाती है, मतलब हिंदी उर्दू अगर मतलब कोई नहीं है, जैसे आपने CG बूस्ट वगैरह का जिक्र किया, मोस्ट प्रॉब्ली दीज आर इंग्लिश चैनल्स, ठीक है, तो कोई इस तरह के चैनल्स हों के स्टूडेंट्स को, मतलब आया इसकी रेडिली हेल्प अवेलेबल है या मुश्किल काम है, मतलब जी नहीं बिल्कुल है, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये है कि ये लेंथी प्रोसेस है, मतलब अगर आपने इसको सीखना है तो ये आपको इसमें टाइम लगेगा, ये नहीं है कि मतलब अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं कि आप एक दिन में सारा कुछ सीख लेंगे एनिमेशन का, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप जो है इसके अंदर वॉइस ओवर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, तो वॉइस ओवर्स आया देखें इनिशियल बेसिस पे, क्या कोई ऐसा फ्री मेथड है कि जिससे मैं इनिशियल बेसिस पे फ्री में कर लूं, अल्टीमेटली तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रोफेशनल्स बंदे ही हों ताकि जो है ना उसकी स्टोरी लाइन अच्छी बने, लेकिन अगर अगर शुरू शुरू में है तो कैसे मैं फ्रीली इसको वॉइस ओवर क्रिएट कर सकता हूँ? वॉइस ओवर
फ्री में आप जा रहे हैं तो आप खुद भी ही इसका वॉइस ओवर कर सकते हैं, अगर आप है। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं तो उसका आप खुद भी अपनी जो है रिकॉर्ड करके, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं तो उसके लिए जो है डिफरेंट सिटी में डिफरेंट जो है वो स्टूडियोज वगैरह अवेलेबल हैं जहाँ से आप इसका वॉइस ओवर करवा सकते हैं। जी तो वो ठीक, आप उनको डिटेल अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि यहाँ पे हमें लड़के की आवाज़ चाहिए, यहाँ पे हमें लड़की की आवाज़ चाहिए, तो इस तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो आपको वॉइस ओवर मिल जाता है। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो बेस्ट अफोर्डेबल मेथड कोई कोई सॉफ्टवेयर हो जो देख देखें आपके पास, जैसे हमारे पास अभी हैंड फ्री है, तो ऑब्वियसली जो स्टूडियो है उनके पास टूल्स जदीद होते हैं जिसकी बेसिस पे उनकी नॉइज भी कैंसिल हो जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या हमें इस तरह की कौन कौन सी नई वीडियोस जो है इस तरह की पाकिस्तानी हीरोज की और जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेंगी क्लास एनिमेशन की तरफ से? सर कैलाश एनिमेशन की तरफ से इंशाल्लाह 6 सितंबर को आ रही है MM आलम की आ रही है, ठीक है। वो एक वीडियो है। उसके अलावा जो है एक आ रही है डिफरेंस किया गया है 90s वर्सेस 20, ये एक ठीक वीडियो है। तो मतलब जो इसका जो डिफरेंस है वो आपके सामने जो है ना वो इस तरह से आएगा कि मतलब 90s में क्या था और 20s में क्या है। ये भी ठीक इंशाल्लाह जल्द ही हम कैलाश एनिमेशन पे अपलोड होगी, आपको इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक ठीक अब माशाल्लाह, आई एम जिसे कहते हैं कि इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर दीज दोज वीडियोस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हमारे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कोई एडवाइस हो जो आपको खुद लगा हो कि यार ये चीजें की जाएं तो जरा इजनेस रहती है या बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, या कोई भी जनरल एडवाइस हो आपने खुद फील की हो और आप दूसरों को रिकमेंड करना चाह रहे हो उसके बारे में बता दीजिए। उसके लिए यही है सर कि अगर एनिमेशन अगर सीखनी है ना तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीखते, ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लेना चलेगा। अगर आप पहले आप स्टार्ट करें एनिमेशन को मॉडलिंग से स्टार्ट करें, आपको पता चल जाए कि मतलब मॉडल कैसे क्रिएट किया, कैसे मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद उसकी टेक्सचरिंग होती है। उसके बाद अगर आप एनिमेशन की इनिशियल लेवल पे आ जाएं तो पहले आप एक बॉल को मूव करवा के देख लें कि मतलब बॉल कैसे मूव होती है, एनिमेट कैसी होती है, रबर बॉल कैसी होती है, हार्ड बॉल कैसी होती है, बैलून कैसे बिल्कुल लाइट वेट जो बैलून होता है वो कैसे एनिमेट होता है। तो ये बिल्कुल जो है वो उसकी इनिशियल लेवल्स हैं। यहाँ से फिर आप अगर इनिशियल पे टाइम लगा लेंगे तो आपके एडवांस लेवल जो है वो सीखने में समझने में उनको आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक। रियली थैंक्स फॉर सच अ वैल्यूएबल फीडबैक एंड ग्रेट एनालिसिस फॉर आवर व्यूअर्स जवाद बाजवा साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग हाउ वी कैन क्रिएट एनिमेशन वीडियोस क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाद बाजवा साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।